मॉम्स नीटिंग एंड स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए आज मैं ये प्यारा सा लेस पैटर्न लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखने में यह बहुत सुंदर। आप इसे लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, बेबी ब्लैंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगी तो ये प्यारा लगेगा। ये देखिए रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है और राइट साइड से तो ये सुंदर है ही। इस पैटर्न को आप अगर हाफ स्वेटर में भी बनाएंगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। और इस पैटर्न की खासियत ये भी है कि ये डार्क कलर में भी सुंदर लगता है और लाइट कलर के ऊन से, यानी आप जिस कलर से भी बुने ये पैटर्न अच्छा लगेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 16 के मल्टीपल में फंदे डालने होते हैं, यानी 16 के मल्टीपल में 16 16 16 करके और 3 फंदा एक्स्ट्रा डालना होता है पैटर्न को सेट करने के लिए, और 14 सिलाइयों में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, यानी ये 14 रो रिपीट पैटर्न है। तो चलिए आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। पैटर्न बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मॉम्स नीटिंग एंड स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह पैटर्न कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। चलिए हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। पैटर्न को बनाने के लिए हमें 16 के मल्टीपल में फंदे डालने होते हैं प्लस 3 फंदा एक्स्ट्रा पैटर्न को सेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 16 प्लस 3 यानी कि 19 फंदे डाल रखे हैं पैटर्न को बनाने के लिए। पैटर्न बनाने से पहले आप अपने पसंद का कोई सा भी बॉर्डर बना लें। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 सिलाइयाँ इस तरह बुनी हैं कि राइट साइड में उल्टे उल्टे फंदे हैं। अब हम पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न की पहली लाइन राइट साइड की होगी। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, 2 फंदे उल्टे, यानी 3 फंदे हमने शुरू में हर बार इसी तरह से बुनना है। उनको आगे रखते हुए सीधा बुनेंगे तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा और जाली भी बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए। ये देखिए शुरू में 3 फंदे उल्टे, 1 जाली से फंदा बढ़ा और 7 फंदे सीधे। अब हमने 3 फंदे एक साथ बुनने हैं। पहले फंदे को हम इस तरह से कर लेंगे, ये देखिए, और बाकी के 2 फंदे वैसे ही रहेंगे, और इन 3 फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से बुनेंगे। इस तरह एक उल्टा, 2 फंदे सीधे, तीन फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, लेकिन उससे पहले जाली बनाते हुए फंदा बढ़ाना है। जब हम उल्टे फंदे से पहले फंदा बढ़ाते हैं तो इस तरह से लपेट कर, यहाँ पर एक जाली बनेगा और एक फंदा बढ़ गया, 3 उल्टा। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो हमारी रॉन्ग साइड की है। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, सिर्फ एक फंदा हमें सीधा बुनना है। ये देखिए ये वाला, ये जो हमने उल्टा बुना था राइट साइड से, उसे हम रॉन्ग साइड से सीधा बुनेंगे ताकि ये फंदा उल्टा उल्टा आए। ये वाला फंदा, ये वाला हमने राइट साइड में इसे उल्टा बुनना है और रॉन्ग साइड में सीधा, ताकि सारे फंदे उल्टे उल्टे से नज़र आए। और बाकी फंदे हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस फंदे को, यानी कि सेकेंड रो में हमें 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदा सीधा बुनना है, और उसके बाद सारे फंदे उल्टे उल्टे।
ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो हमारी राइट साइड की है। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे और दो फंदे उल्टे, एक दो, उनको आगे रखते हुए एक सीधा, दो सीधा, तीन सीधा, चार सीधा, पांच और ये छः। देखिए पिछली बार हमने सात सीधे फंदे बुनने के बाद तीन फंदे एक साथ बुने थे, इस बार हम छः सीधे फंदे बुनने के बाद तीन फंदे एक साथ बुनेंगे। पहले फंदे को इस तरह से सीधा करके और पीछे की तरफ से तीनों फंदे एक साथ। एक फंदा उल्टा, पिछली बार हमने यहाँ पर सिर्फ दो फंदे सीधे बुने थे, इस बार तीन फंदे सीधे बुनेंगे। एक दो तीन, ऊन लपेट कर एक फंदा बनाएंगे और तीन फंदे उल्टे। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है। दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे उल्टे हमने बुन लिए। पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा और उसके बाद छः फंदे उल्टे, सातवें फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए ये सीधा फंदा है और उसके बाद फिर सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनकर पूरा कर लेते हैं। ये देखिए सारे फंदे हमें सिंपल तरीके से उल्टा उल्टा बुनकर पूरा कर लेना, और इस तरह ये हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई। फिफ्थ रो एक बार फिर हमारी राइट साइड की है। पहला फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है, दो फंदे उल्टे, ये तीन फंदे आपने ध्यान दिया होगा हर बार हम सेम इसी तरीके से बुनते हैं, शुरू के तीन फंदे उल्टे और फिर उनको आगे रखते हुए सीधा, ताकि यहाँ पर एक जाली बन जाए और एक फंदा बन जाए। दो तीन सीधा, चार सीधा और ये पांच सीधा, और ये तीन फंदे एक साथ। एक उल्टा, एक सीधा, दो सीधा, तीन सीधा और ये चार सीधा। तीन फंदे उल्टे, उससे पहले एक फंदा बना लेंगे, तीन उल्टा। ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। सिक्स्थ रो में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, सिर्फ ये एक फंदा जो सीधा जा रहा है ये सीधा बुना जाएगा। सेवेंथ रो हमारी एक बार फिर से राइट साइड की है। पहला फंदा बिना बुने, दो फंदे उल्टे, ऊन आगे, एक सीधा, दो सीधा, तीन सीधा और ये चार फंदे सीधे। चार फंदे सीधे बुनने के बाद तीन फंदे एक साथ, पहले फंदे को सीधा करेंगे और तीनों फंदों को मिलाकर पीछे की तरफ से एक साथ बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा, एक सीधा, दो सीधा, तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे, ऊन लपेट कर एक फंदा बनाकर तीन फंदे उल्टे। ये हमारी सेवेंथ रो कंप्लीट हो गए। एट्थ रो में सारे फंदे उल्टे उल्टे, सिर्फ ये एक फंदा सीधा बुना जाएगा। नाइन्थ रो हमारी एक बार फिर राइट साइड की है। पहला फंदा उतार लेंगे, दो फंदे उल्टे, उनको आगे रखते हुए एक सीधा, दो सीधा और ये तीन सीधा, तीन फंदे एक साथ। एक फंदा उल्टा, एक सीधा, दो सीधा, तीन सीधा, चार पाँच छः, छः फंदे सीधे बुनने के बाद
एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे लपेट कर और तीन उल्टा। ये हमारी 9th रो कंप्लीट। 10th रो हमारी 10वीं सिलाई रॉन्ग साइड की है, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, सिर्फ ये एक फंदा सीधा बुना जाएगा। 11th रो एक बार फिर हमारी राइट साइड की है, पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे और दो फंदे और उल्टे बुन लेंगे, उनको आगे रखते हुए एक सीधा और ये दो सीधा, तीन फंदे एक साथ। एक उल्टा, अब हम सीधे फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तीन फंदे उल्टे लेकिन उससे पहले एक फंदा बढ़ाएंगे और तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई 12th रो हमारी रॉन्ग साइड की, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे, सिर्फ ये वाला फंदा सीधा बुना जाएगा। 13th रो हमारी राइट साइड की होगी, पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे, दो फंदे उल्टे, उनको आगे की तरफ रखते हुए एक सीधा और ये तीन फंदे एक साथ। पहले फंदे को हम इस तरह से करके और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए, एक उल्टा, एक सीधा, दो सीधा, तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे सीधे बुनने के बाद तीन फंदे उल्टे लेकिन उससे पहले एक फंदा बुनाएंगे और तीन उल्टा। ये हमारी 13th रो भी कंप्लीट हो गई। 14th रो हमारी रॉन्ग साइड की है, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे, सिर्फ ये एक फंदा जो सीधा जा रहा है इसे हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 14 सिलाइयाँ बुन ली हैं, यानी कि हमने पूरी पैटर्न को बुन लिया है। अब हम पैटर्न को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 15th रो हमारी फर्स्ट लाइन की तरह होगी, फर्स्ट रो की तरह, पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और दो फंदे उल्टे, उन आगे एक सीधा, दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे सीधे बुनने के बाद तीन फंदे एक साथ। पहले फंदे को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और पीछे की तरफ से एक साथ बुन लेंगे। ध्यान दीजिए, ये पैटर्न की पहली लाइन है जो हमने फिर से रिपीट करना शुरू कर दिया है। एक उल्टा, दो सीधा, उनको लपेट कर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और तीन फंदे उल्टे। तो इस तरह से हमें पैटर्न को रिपीट करना है और जब हम इसे रिपीट करके और आगे बुनेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह का दिखेगा। जब हम आगे बुनेंगे तो हमारा पैटर्न इस तरह का दिखेगा। तो आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।